नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली में सीपीएम मुख्यालय के बाहर, जहां पर आज सीपीएम की जो पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी थी उन्होंने ज्वाइंट रूप से आज प्रोटेस्ट किया यहां पे कि जिस तरह से फिलिस्तीन में पिछले दिनों इजरायली की तरफ से हमला हुआ है, क्योंकि एक आतंकवादी हमले का जिसको कथित रूप आतंकी हमला गाजा पट्टी की तरफ से हुआ था जो इजरायल की तरफ, उसके जवाबी कार्रवाई में जिस तरीके से इजरायल ने एक तरह युद्ध का माहौल बनाया और एक तरफा हमला जिस तरह जारी है उसके खिलाफ, और जिस तरह से भारत सरकार ने यूएन असेंबली में अब्सेंट रहने का फैसला लिया है उसके विरोध में भी ये प्रदर्शन था। और यहाँ पॉलिट ब्यूरो और केंद्रीय कमेटी के नेताओं ने उसकी निंदा करी और कहा भारत देश और देश की जनता फिलिस्तीन के साथ है, ये मैसेज देने के लोग यहाँ जुटे हैं। सुनिए इन नेताओं ने पूरी बातचीत में क्या कहा है। आज ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं 8,000 से ज़्यादा लोग, जिसमें आधा से ज़्यादा बच्चे हैं, उनकी कत्ल हुई है, उनका मौत हुआ है और ये अब और तेज़ी से बढ़ा रहा है इसराइल। हम चाहते हैं कि जो जनरल असेंबली का जो 120 देशों का जो रेजोल्यूशन है कि सीज फायर को लागू करें और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, वो इमीडिएटली लागू हो, तुरंत सीज फायर होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहिए और आम नागरिक के ऊपर जो नरसंहार है उसको बंद करना चाहिए, उसके साथ हम हैं। दूसरी मैसेज हमने दिया, ये भारत सरकार की जो शर्मनाक एब्सटेंशन है यूनाइटेड नेशंस में, हम कहते हैं ये जनता की समझ कतई नहीं है। ये हमारी इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा फिलिस्तीनी जनता के साथ दिया। सरकार कहती है हमस का कंडेमनेशन नहीं था, उस प्रस्ताव में इसराइल का भी कंडेमनेशन नहीं था, किसी का कंडेमनेशन नहीं था। ना हमस का नाम था, ना ज़ायनिज्म का नाम था, ना इसराइल की नरसंहार का नाम था, सिर्फ ये था कि विराम लगाओ, इस सीज फायर करो। आज बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरकार उस ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी साथ नहीं देगी। शर्म आना चाहिए सरकार को, शर्म आना चाहिए, इतने झुक गए हैं ये बड़े पावर्स के सामने, इतने झुक गए हैं कि हिंदुस्तान की अपने इतिहास को इन्होंने भुला दिया। शेम ऑन देम। जैसे जिस बात की खंडन हम ही नहीं हमारे देश के शासक पार्टी भी करती रही है कि इंदिरा गांधी को दो सिक्योरिटी गार्ड सरदार मारते हैं और पूरी सरदार कौम के ऊपर आप जो है जंग छेड़ते हो, उसका खंडन किया ना हम सभी ने, तो इसका क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्यों नहीं कर रहे हो? आपका क्या क्या ये दोहरापन आपका? सरकार से हमारा यही सवाल है। आज भी तुम कहते हो कि बेगुनाह सिखों की जान ली गई, अब क्या ये बेगुनाह पैलेस्टीनियन की जान नहीं ले जा रही? जो जंग जो माहौल पैदा करते हैं, चाहे देश के अंदर हो, चाहे सीमा पर हो, चाहे विदेश में हो, हम उस जंग के खिलाफ हैं। आखिर जंग कोई मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है। हमने खाड़ी युद्ध को झेले हैं, आज हमारी जो महंगाई है, आज जो हमारे आप स्कूटर में हो, पेट्रोल भरते हो, डीजल भरते हो, ये सब का कीमत जंग के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे आपने कहा कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो यंग नहीं है, युद्ध नहीं है, एक तरफा हमला है, टारगेटेड हमला है, नस्ल कोसी है, जेनोसाइड है, बच्चों को, नौनिहाल को, औरतों को, मरीजों को, जो डॉक्टर, जो एम्बुलेंस, जो चिकित्सा कर्मी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं उनके ऊपर, अस्पतालों पर हमले नहीं होते, जंग में भी नहीं होते। आवर सपोर्ट टू द पैलेस्टीनियन कोर्स इमर्जेड एज ए नेशनल कॉन्सेंसस इंडियाज करंट वोट इन द यूएन जनरल असेंबली एंड इन द यूएनएचआरसी 2 years बैक वायलेट्स दिस कॉन्सेंसस। इट इज ए कंप्लीट यू टर्न फ्रॉम आवर वेस्ट ऑयल स्टैंड which had manifested in India, consistently championing all the UN resolutions and opposing Israel's blatant violations of those resolutions and its illegal occupation of Palestinian lands.
The open backing of the US administration has emboldened the Israeli government. It enacted a law declaring Israel as a Jewish nation state. The Gaza Strip, home to over 2 million Palestinians, is repeatedly under Israeli attack. Since 2007, Israel has imposed a blockade. Even humanitarian aid is allowed to enter Gaza only if Israel so decides. In 2020, the UN called Israeli occupation in Palestine the longest belligerent occupation in the modern world. Israel also earned the dubious distinction of being the most condemned country by the General Assembly of the United Nations. मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारी जो traditions रही हैं आज़ादी से लेकर आज तक, वो रही है फलस्तीनी अवाम को ज़िंदा रहने का अधिकार मिलना चाहिए, नेशनहुड मिलना चाहिए, स्टेट मिलनी चाहिए, उनकी ज़मीन उनको मिलनी चाहिए। ये हमारा स्टैंड रहा है। सरकारें बदलती रही यहाँ हमारे मुल्क में, लेकिन स्टैंड यही रहा। आज पहली बार हमारी पॉलिसी को, जिस पर हमें फख्र था, उसको उल्टा किया जा रहा है मौजूदा सरकार की तरफ से, जो नामुनासिब है, हमारे मुल्क के मुफादात के ख़िलाफ़ है। निर्णय यही था हमारी केंद्रीय कमेटी का, पूरे देश भर में आज से शुरू होकर ये जो है पूरे बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन होंगे, और हमारे सरकार से भी यही हम कहेंगे कि आप जो है उस प्रस्ताव का समर्थन करो कि ये बर्बरता बंद हो फौरन।